नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनवरत आवेश वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनवरत आवेश वितरण। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, कैपिटल पॉइंट चार्ज क्यू है, और इस आर वन दूरी पे हमारा चार्ज क्यू वन है, आर टू पर हमारा चार्ज क्यू टू है, ये हमारा आर आर दूरी पर कोई चार्ज क्यू आई है, और ये हमारा क्यू एन है आर दूरी पर। इस प्रकार से कि हमारे पॉइंट चार्ज है, तो कूलाम का जो नियम है वो पॉइंट चार्ज पे हम लोग परिभाषित करते हैं, जो पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है। तो इस चार्ज क्यू पर इन सभी आवेश के कारण जो लगने वाला जो बल होगा हमारा, वो बल होगा एफ एफ इक्वल एफ एट क्यू है, कैपिटल क्यू पर लग रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू वन अवर फोर फाइव एफ सेवन जीरो। इसके कारण लगने वाले क्या होगा, क्यू क्यू वन आर वन स्क्वायर आर वन के, ठीक है। उसके बाद क्यू टू के कारण लगने वाला क्यों होगा, प्लस वन आर फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू टू डिवाइड आर टू स्क्वायर आर टू के। उसके बाद आर आई पर लगने वाला केस कितना होगा, जैसे यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस डबल डबल वन आर फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू आर डिवाइड आर आई स्क्वायर आर आई के एंड देन प्लस, ठीक है, वन आर फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू एन डिवाइड आर एन स्क्वायर आर एन के। तो ये हो गया हमारा क्यू पर लगे होने पर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि सब में ही कॉमन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ इज इक्वल टू वन और फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एंड क्यू भी सब में कॉमन है, लिखेंगे हम लोग आर वन कैन डिवाइड आर वन स्क्वायर क्यू वन प्लस, सॉरी इसके यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों एफ इक्वल टू क्यू अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो, ये तो सब में कॉमन है, ये फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो इन क्यू, और इसको हम लोग लिखेंगे आर वन कैन डिवाइड आर वन स्क्वायर क्यू वन प्लस आर टू कैन डिवाइड आर टू स्क्वायर क्यू टू डबल डॉट आर आई कैन डिवाइड आर आई स्क्वायर क्यू आई आर एन कैप डी आर एन स्क्वायर क्यू। ये हमारा क्या आइडिया, इस बिंदु आवेश क्यू पर अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण बल लगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में हमने ज्ञात किया था। तो जो ये टर्म है, इस टर्म को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्यू
root by epsilon 0, okay. इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके, दिस इज इक्वल टू समेशन आर आई कैन बिटवीन आर आई स्क्वायर एंड क्यू आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, दिस इज इक्वल टू एफ। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो Q है इसको F के नीचे भेज सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, हम लोग लिखेंगे इस F डेल बाई Q इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके, I इक्वल टू 1 टू N, R I कैप डेल बाई R I स्क्वायर Q I, ओके। हम लोग क्या करते हैं, हम जो ये टर्म है इसको क्या किससे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग ई से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग ई ऑफ क्यू आई, ई ऑफ क्यू आई से डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा ई ऑफ क्यू आई है, ई ऑफ क्यू आई है, ये इसके बराबर है और ये दैट इज, तो ये जो हमारा ई है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, प्लस ई इज इक्वल टू एफ डेल बाई क्यू। तो जो कूलम के नियम से हमारा जो एफ आता है उसमें क्यू का भाग लगाते हैं, जैसे ये हमारा F आ गया, अगर इसमें हम लोग क्यू का भाग लगा दें तो जो हमारे पास जो बचता है वो क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 आर इक्वल टू 1 टू एन आर कैप आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे Q का भाग देंगे तो ये हमारे पास टर्म बचती है, ये वाला, इसको हटा देंगे, ठीक है। और इस पूरे टर्म का क्या होगा, ये तो समीशन रहा और ये Q यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो कूलम नियम से हमारा जो बल है उससे हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहती है। अब हम क्या करते हैं, ये तो पॉइंट चार्ज भी रही था, अब हम लोग इसी चीज को हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम लोग किसके लिए कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो यहाँ से देखो, अगर हमारे पास में केवल दो ही चार्ज है, ठीक है, केवल दो ही चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हमारे पास में एक चार्ज ई है और एक चार्ज क्यू है, ठीक है। तो क्यू और क्यू है तो हमारे पास में आर इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में देखो क्यू अपॉन 4πε0 आर आई स्क्वायर, एक ही है जो हमारे पास क्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू 1 डिवाइडेड 4πε0 आर कैम डिवाइड बाई आर कैम डिवाइड बाई आर 1 स्क्वायर। तो एक चार्ज के लिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स क्या करते हैं, फोर्स क्या करने के लिए इसको हम लोग जो टेस्ट चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट चार्ज का जो आवेश होता है वो इकाई होता है, ठीक है, एकांक धनात्मक आवेश हम लोग टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं। ये कन्वेंशन है, हम चाहे तो टेस्ट चार्ज के रूप में एकांक धनात्मक आवेश भी ले सकते हैं। अब जैसे आवेश हमारा किसी धातु की पट्टी पे या किसी तार पे या किसी आयतन में वितरित हो सकते हैं, अनवर
कंटिन्यूस, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिससे हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, तार पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और जिसे सी लंबाई है टोटल, ठीक है, एल सी लंबाई है, तो हम लोग जो इसका आवेश घनत्व है उसको हम लोग किससे डिपेंड करेंगे, लैम्ब्डा से, ठीक है, किससे डिपेंड करेंगे, लैम्ब्डा से, लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो हम लोग एकांक लंबाई है जिसको हम लोग डी एल बोलते हैं, तो उसके लिए हमारा कितना आ जाएगा, ये चार्ज कितना आ जाएगा डी क्यू, ठीक है, इस डी क्यू चार्ज है, तो हमारा चार्ज कितना आएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्ब्डा डी, ठीक है, तो एकांक लंबाई के लिए हमारा चार्ज है लैम्ब्डा, तो डी एल लंबाई के लिए कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा डी एल लंबाई के लिए, इस एकांक लंबाई के लिए चार्ज उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी प्रकार से हमारे पास में जैसे कोई धातु की पट्टी है, ओके, इसका टोटल चार्ज कितना है क्यू, इसमें टोटल चार्ज है, और इसका एरिया कितना है, इसका जैसे एरिया है टोटल एल, ओके, तो हमारा जो इसका चार्ज घनत्व कितना है वो उसको हम लोग सिग्मा से डिपेंड करते हैं कि सिग्मा इसका चार्ज होगा, सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू प्लस क्यू बाई एल, ओके, तो एकांक जो हमारा ये आएगा, सपोज करो ये हमारा एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है डी एस, ओके, और इसका चार्ज कितना आएगा वो हमारा डी क्यू होगा, यहाँ से हम लोग डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का ये है, तो डी एस क्षेत्रफल कितना होगा डी क्यू, इस सिग्मा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी प्रकार से हमारे पास में जैसे किसी वॉल्यूम में, ठीक है, इस किसी आयतन में, आयतन V है, इसमें हमारा Q चार्ज है टोटल, और इसका जो आयतन आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा इक्वल कितना आएगा इस Q बाई V, अब हमारे पास में कोई एकल आयतन है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा dV है, और इस पे चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू कितना होगा, एकांक आयतन जो आयतन में रहता है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी वी सी, ठीक है, तो ये तो हमारे एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल और एकांक आयतन पर हमारा जो चार्ज है वो है, जबकि हमारा चार्ज अनवर्त वितरित होता है, ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमने क्या किया, चार कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने इसको छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे, तो कूलाम का नियम लगाने पर हमारे जो पॉइंट चार्ज के लिए जो वैलिडिटी है वो कंटिन्यूस चार्ज के लिए भी वैलिड रहेगी, क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड कर लिया और उसको हमने पॉइंट चार्ज के रूप में लिया, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे टोटल चार्ज क्यू, जैसे हम लोग टोटल चार्ज क्यू का कैलकुलेशन करें, सपोज लो टोटल चार्ज क्यू का कैलकुलेशन किया हमने, ओके, दिस इज क्यू आई आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कंटिन्यूस है, दिस इज इक्वल टू क्यू वन प्लस Q2 प्लस QI QI, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज से अगर Q तो हमारा ये Q के बराबर आएगा, ठीक है, चूँकि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, जो हमारा QI है वो किसमें, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा DQ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा DQ में, और डी क्यू किसके बराबर हमारा, ये हमारा लैम्ब्डा डी एल के बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर इसके लिए लेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा हमारा लैम्ब्डा डी एल, ठीक है, इसको हम लोग रैखिक आवेश घनत्व, ये रैखिक आवेश घनत्व के लिए है, और
जो क्षेत्रफल आवेश बनने के लिए आ गया हमारा सिग्मा डी एच, ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रस्ट आवेश वितरण। ट्रस्ट आवेश वितरण के लिए, ठीक है, और उसी प्रकार से आवेश आयतन आवेश वितरण के लिए हमारा डीक्यू कितना रहेगा, रो डीवी, रो डीवी इक्वल टू दिस इज फोर आयतन आयतन आवेश वितरण, ओके, ये हमारे डीपी के मान हैं। अब हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉइंट चार्ज के लिए किस प्रकार से था, ई इज इक्वल टू हमारा एफ बाई कैपिटल क्यू, हमने इनिशियल ऑफ दिस लेक्चर बताया था, दिस इज इक्वल टू वन और फोर पाई एप्सिलॉन जीओ r equal to 1 to n, okay, r I cap divided r I square and this is q I, इस प्रकार से था, ठीक है। इसको हम लोग अगर समाकलन में बदलें तो हमारा जो q I है, ये q I की जगह हमारा क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, ठीक है। समाकलन ऐसे से I equal to 1 to n of q I, I equal to 1 to n of q I, तो ये किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, क्यों में डी क्यों चेंज करेगा, वन और एप्सिलॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समेशन और आर डिवाइड सॉरी आर क्या डिवाइड आर स्क्वायर डी क्यू, ठीक है। हमने आई, चूंकि ये आई हम लोग समेशन के लिए लिखते हैं, तो इसको हमने आई जो इंडिसेस है उसको हटा दिया और इसकी जगह हमने आर डिवाइड आर स्क्वायर लिख के डी क्यू लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, ये है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना चाहें, तो हम लोग डी क्यू की जगह हमें ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओनली जस्ट फॉर डी क्यू, दिस इज फॉर ये डी क्यू के लिए है, ठीक है, ओके, एक एक एकांक आवेश से लिए। तो ये डी क्यू के लिए हमारा ये आ जाएगा सिग्मा डी एस, ओके, या फिर हम लोग कहेंगे जैसे ओके दिस इज समेशन रहेगा, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू के लिए हमारा ये रहेगा रैखिक आवेश घनत्व के लिए, पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, ये आयतन आवेश घनत्व के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल के लिए अगर हम लोग ये e की वैल्यू किसके लिए ज्ञात करना चाहिए, पृष्ठ रैखिक आवेश वितरण के लिए, तो हमारे देखो रैखिक आवेश वितरण के लिए हमारे जो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो e इक्वल टू वन और फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये इंटीग्रल ऑफ डी क्यू है जो कि लैम्डा डी के बराबर है इंटीग्रल ऑफ, ओके, सो आर कैप डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है, हमारे जिस इस डी क्यू की वैल्यू हुई ये लैम्डा डी एल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस है, इसकी वैल्यू दोनों तरफ इंटीग्रल लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके ओके, तो डी क्यू कितना है हमारा लैम्डा डी एल है, तो डी क्यू की वैल्यू हमने लैम्डा डी एल रख दिया, ये हमारे किसके लिए आ गया, पृष्ठ आवेश सॉरी रैखिक आवेश वितरण के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये पृष्ठ आवेश वितरण के हम लोग क्या याद करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करेंगे, दिस इज इक्वल टू वन और फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर कैप डिवाइड आर स्क्वायर सिग्मा डी एस, ठीक है, क्योंकि डी क्यू किसके बराबर बना है सिग्मा डी एस के बराबर, तो यहाँ से डी क्यू हम लोग सिग्मा डी एस के बराबर रिप्लेस कर देते हैं। उसी प्रकार से हमको आयतन आवेश वितरण के लिए अगर हम ज्ञात करें तो हम लोग क्या करेंगे, ई इक्वल टू वन और फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर आर स्क्वायर रो, ठीक है,
इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हमने क्या किया अनवर्ट आवेश वितरण के लिए एक्सप्लोर कर दिया। तो हम लोग अनवर्ट आवेश वितरण के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो फोर्स होते हैं उसमें हमारा ये संबंध है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एकांक धनात्मक चार्ज के लिए जो बल होता है किसी पॉइंट पे किसी बिंदु पे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारा अनवर्त आवेश वितरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूले हैं। लेक्चर देखने में सीखने। थैंक यू।